हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत, लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है IWAI MTS रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। IWAI मतलब इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। देखिए दोस्तों, छोटी सी वैकेंसी है लेकिन सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी। खास बात यह है कि सिलेक्शन प्रोसीजर काफी ज्यादा शॉर्ट है, एक एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है और इसके नोटिफिकेशन में एग्जाम पैटर्न सिलेबस पूरा खोल के रख दिया है कि भैया ये चीजें पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए आगे इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दे देता हूं, इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न सिलेबस, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा देता हूं। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, लोकेशन वगैरह आपकी इसमें क्या रहने वाली है। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, अगर आप इस बार SSC MTS एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए 27 अगस्त यानी कि ट्यूसडे के दिन शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर MTS एग्जाम को क्रैक करने के लिए जबरदस्त टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं ईबुक की फॉर्म में, जिसे आप इजीली अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके घर बैठे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। एकदम सिलेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। जैसे कि आपको शुरुआत में बता दिया है, IWAI मतलब इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक बहुत बड़ा सरकारी विभाग है जिसके अंडर जो इनलैंड वाटरवेज है, जैसे कि रिवर हो गया, कैनल यानी कि नहर वगैरह होती है, ठीक है, लेक है, बैक वाटर्स है, ये सभी आती है, इनमें जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है सब कुछ इसी डिपार्टमेंट के अंडर आता है, ठीक है। तो वही टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज वेरियस पोस्ट को मिलाकर इस डिपार्टमेंट के अंदर 38 निकल चुके हैं, MTS की पोस्ट के ऊपर 11 है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, ऑनलाइन फॉर्म इसके ऑलरेडी 16 अगस्त से स्टार्ट हो रखे हैं, फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 21 सितंबर 2024 है, मतलब फॉर्म भरने के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम है। फॉर्म फीस को शुरुआत में डिस्कस कर लेते हैं, जनरल ओबीसी EWS वालों के लिए ₹500 चार्ज किए गए हैं, ST SC वालों के लिए ₹200 फॉर्म फीस चार्ज की गई है। बात करें एज लिमिट के बारे में, जनरल वालों के लिए 18 से 25 साल है, जो आपकी एज कैलकुलेट होगी एज ऑन 21 सितंबर 2024 तक होने वाली है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, वही ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी एससी वालों को 5 साल का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आप एक 10वीं पास एस्पिरेंट हो तो भैया आप एलिजिबल हो, फटाक से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसे कि शुरुआत में बताया, एक ही मेजर स्टेज के ऊपर इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर टिका हुआ है, केवल एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, 200 नंबर का पेपर रहने वाला है, 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से एक इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, इस सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन आएंगे, इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे, इसलिए दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 50 नंबर का सब्जेक्ट हो जाता है। दूसरा सब्जेक्ट आपका रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी रहेगा, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट आपका जनरल अवेयरनेस का रहेगा, वही 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन, 200 नंबर का पेपर, 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, जो कि बहुत ही बढ़िया ड्यूरेशन है, इजीली आप एग्जाम को सोल्व करके बैठ जाओगे 100 क्वेश्चन 2 घंटे में। 0.50 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, और दोस्तों इसके नोटिफिकेशन में एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल के बारे में भी बता रखा है। एग्जाम का 25% पार्ट बिल्कुल ईजी रहेगा, 50% पार्ट मॉडरेट रहेगा, और दोस्तों 25% पार्ट थोड़ा सा लेंथी डिफिकल्ट रह सकता है, क्लियर है। यहीं पर बात कर लेते हैं एग्जाम सिलेबस के बारे में, इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज PDF में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से पूरे सिलेबस को अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहीं पर बात करें कि भैया इस सिलेबस को कहां से कवर करें, तो यार बहुत आसान है, हमारी खुद की वे टू सक्सेस की चारों सब्जेक्ट की करियर मैगजीन अवेलेबल है, बायलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में आपको मिल जाएगी, इंग्लिश की है, मैथमेटिक्स की है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है। दोस्तों इन करियर मैगजीन के अंदर सब्जेक्ट वाइज दिए गए हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। चारों करियर मैगजीन को एक साथ परचेज कर सकते हैं कॉम्बो में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट चेकआउट कर लीजिएगा। फाइनली बात करते हैं कि सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, सिलेक्शन केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। 200 नंबर का पेपर था तो एक फाइनल मेरिट बनेगी 200 नंबर में से, कैटेगरी वाइज अगर आप उस कैटेगरी कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात करते हैं भैया
एग्जाम सेंटर्स के बारे में बताइए। देखिए दोस्तों, एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग स्टेट के इन बड़े बड़े शहरों के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके पास ऑप्शन रहेगा, किसी भी एक एग्जाम सिटी को आप अपनी प्रेफरेंस दे सकते हो कि भैया मैं यहां पर एग्जाम देना चाहूंगा। ठीक है, डिटेल नोटिफिकेशन में है। सैलरी क्या मिलेगी सिलेक्शन होने के बाद? इस पोस्ट के ऊपर आपकी जो इनिशियल इनहैंड सैलरी रहेगी वो 35,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर सेविंग पे कमीशन। जो प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए दोस्तों, ये एक MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, यानी कि आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर मल्टीटास्किंग का काम करना पड़ेगा, यानी कि फाइलिंग से रिलेटेड, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड, फैक्स रिसीव या फिर सेंड करने से रिलेटेड, ईमेलिंग वगैरह का काम रहेगा, डॉक्यूमेंट का काम रहेगा, फाइल वगैरह हैंडलिंग करना या फिर फाइल वगैरह पास करना डेस्क टू डेस्क। ठीक है, तो भैया इस टाइप का आपका काम रहता है, क्लियर है। बात करते हैं जॉब लोकेशन के बारे में, पोस्टिंग लोकेशन क्या रहेगी। देखिए दोस्तों, IWAI का जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा के अंदर है, तो हेडक्वार्टर में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। वैसे IWAI का ऑल ओवर इंडिया के अंदर, अलग अलग स्टेट के अंदर काफी सारे रीजनल ऑफिसेज भी हैं, तो वहां पर भी आपकी पोस्टिंग होगी, नोटिफिकेशन में क्लियरली कह रखा है। तो भैया आपको अपने होम स्टेट में भी पोस्टिंग देखने को मिल सकती है, काफी ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो भाई ये मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाक से अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो ऐसी जो अननोन रैंडम वैकेंसी होते हैं ना, इनमें सिलेक्शन के चांसेस काफी बढ़िया होते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। डिटेल्ड नोटिफिकेशन और इसका सिलेबस टेलीग्राम चैनल के अंदर है, वहां से चेकआउट कर लीजिएगा, डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो चलिए यार, इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।